ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे क्लास सिक्स अध्याय नंबर वन। हमारा समाज विविधता से भरा है। हमारा समाज किससे भरा है? विविधता से भरा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा समाज क्या है। तो हमारा समाज मतलब जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, इसी को ही हम लोग अपना समाज विशेष करके मानते हैं। तो देखो इस प्रकार से क्या दिया है, जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ हमें विभिन्न तरह के लोग देखने को मिलते हैं। उनका रहन सहन, खान पान, पर्व त्यौहार, भाषा बोली अलग अलग होती है। हमारे आसपास के सामाजिक जीवन काफ़ी विविधताओं से भरा है। इस पाठ में हम इस देश की विविधताओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या है कि हम लोग यहाँ से क्या सीख रहे हैं कि हम जिस परिवेश में रहते हैं क्या है कि यहाँ पर लोगों का क्या होता है, लोगों के विभिन्न तरह के लोग देखने को मिलते हैं। उनका रहन सहन अलग है कि नहीं, उसका रहन सहन अलग है। हम लोग एक छोटे से अगर गांव का भी बात करें तो उस गांव में भी काफ़ी विविधता मिलता है, ठीक है। खान पान में भी चेंज हो सकता है, पर्व त्यौहार में भी चेंज हो सकता है, भाषा बोली में भी चेंज हो सकता है, अलग अलग तरह के होते हैं। हम आसपास के सामाजिक जीवन काफ़ी विविधता से भरा है। इस पार्ट में हम देश की विविधताओं के बारे में जानने का कोशिश करेंगे, मतलब विशेष करके देश में जो भिन्नताएँ हैं, जो विविधता है, उसको जानने का कोशिश करेंगे। लेकिन इस चीज़ को हम लोग पहले बोलने से पहले एक चीज़ हम लोग ऑलवेज बोलते हैं कि भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। कि भारत में बहुत सारा विविधताएँ है लेकिन तो पर भी इसमें एकता बहुत कूट कूट के भरा है। अगर आप झारखंड में रहते हो तो झारखंड के लोग भी देश को उतना ही प्रेम करते हैं जितने के साउथ में जो एक कोने में अगर केरल में रहता है वो भी उतना ही प्रेम करते हैं। अगर आपका कश्मीर में रहता है वो भी, और गुजरात में रहता है वो भी, हाँ, और मध्य प्रदेश में रहता है वो भी। तो विशेष कर से मतलब पूरा भारतवर्ष में, क्योंकि इसी कारण क्या है कि हम लोग अगर देश के बाहर जाते हैं तब हम लोग बोलते हैं वी आर इंडियंस, या हम लोग भारतीय है। लेकिन अगर देश के अंदर हम लोग रहते हैं तो हम लोग अपने राज्य का बात बोलते हैं, फिर अपने जाति का बात बोलते हैं, अपने भाषा का बात बोलते हैं। इस तरह से हम लोग अपने आप को पहचान दिलाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग फिर से समझते हैं। देखो हमारे आसपास के सामाजिक जीवन परिवार समाज की पहली इकाई है। हम लोग क्या समझे कि परिवार जो है समाज की पहली इकाई है। हम लोग कहाँ से निकलते हैं? एक परिवार से निकलते हैं जहाँ अच्छी आदतें, व्यवहार, संस्कार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। देखो अच्छी आदतें, क्या हम लोग घर परिवार से अच्छी आदतें नहीं सीखते हैं? किससे कैसे बातें करना चाहिए, किस तरह से हमें सुबह उठना चाहिए, बहुत सारा अच्छा अच्छा आदतें हम लोग हर रोज़ सीखते हैं। व्यवहार कैसे करना चाहिए, क्या किसी को जो रास्ते में जा रहा है तो उसको एक थप्पड़ मार दे, ऐसा सीखते हैं? नहीं। संस्कार सीखते हैं, किस तरह का संस्कार सीखते हैं, क्योंकि कोई अगर बड़ा हो उसे हमें प्रणाम करना चाहिए, किस तरह से छोटे हो उसके साथ आदर से व्यवहार करना चाहिए, ये सब हम लोग अपने परिवार से सीखते हैं। तो देखो परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा के द्वारा ही हम हमारे समाज की दशा और दिशा को तय करते हैं। तो परिवार के द्वारा क्या है समाज, सॉरी, परिवार द्वारा अच्छी शिक्षा। तो परिवार द्वारा देखो हम लोग टीचिंग्स दो प्रकार का होता है, एक घर परिवार में भी शिक्षा होती है और एक क्या होता है स्कूल में भी शिक्षा होती है। तो घर परिवार में किस टाइप का शिक्षा देते हैं? अच्छी शिक्षा दी जाती है कि किसमें चेंजेस करने के लिए, अच्छे आदतें बनाने के लिए, अच्छा व्यवहार, अच्छा संस्कार, ये सब बनाने के लिए हमें अच्छे आदत, मतलब ये सब परिवार में शिक्षा दी जाती है, साथ ही साथ एजुकेशन नॉलेज भी दी जाती है। तो परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा के द्वारा ही हमारे समाज के दशा एवं दिशा तय हो सकती है। समाज मतलब क्या? तो समाज मतलब क्या है, ये सब जो लोग आपस में रहते हैं तो उसको हम लोग समाज बना देते हैं। तो अगर एक अच्छा इंसान होगा तभी क्या है उस तरह से, तभी एक अच्छा परिवेश भी तैयार होगा और एक अच्छा समाज भी तैयार होगा। कोई इंसान ऐसा है जो समाज के लिए हानिकारक हो सकता है, वो हमेशा क्या करे, ड्रिंक करे, समाज में अश्लील भाषा का इस्तेमाल करे परिवेश में। हो सकता है कोई ऐसा इंसान जो लोगों के साथ झगड़ा करने, मारपीट करने, इस तरह से व्यवहार करने, या अधिक से अधिक किसी का मर्डर भी कर दे, तो क्या वो सब इंसान को हम लोग अच्छा बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। वो समाज के क्या है, दुष्प्रभाव के लोग है। परिवार के बाद विद्यालय
हमारे समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो परिवार के बाद कौन होता है दूसरा? विद्यालय। देखो एक बहुत ही अच्छा शब्द बोला गया है कि पूछे इंडिया का जो भविष्य है वो स्कूल के कक्षाओं में है। कितना बड़ी बात है, कोठारी आयोग द्वारा बोला गया था कि इंडिया का जो क्या है भविष्य है वो कक्षाओं से तैयार होगी। कहाँ से? स्कूल के कक्षाओं से। हम लोग जब छोटे होते हैं तभी हम लोग का बेस तैयार होता है। अगर हम लोग छोटे में ही ख़राब हो जाए, अच्छी शिक्षा ना मिले, तो क्या हम लोग एक बेहतर इंसान बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग का समाज क्या होता है, परिवार के बाद दूसरा कहाँ पर सीखते हैं? स्कूल में, विद्यालय में। तो देखो विद्यालय में बेहतर भूमिका निभाते हैं। विद्यालय में अपने आप में समाज का एक छोटा रूप है। तो क्या बोला जा रहा है? विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा सा रूप है। यह विभिन्न धर्मों के बच्चे एवं बच्चे अलग अलग परिवेश में आते हैं। यहाँ पर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के धर्मों के बच्चे, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी बच्चे एक साथ आते हैं, जिसका रहन सहन, खान पान, पहनावा अलग होता है। क्या होता है इसका पहनावा वगैरह सब अलग होता है। क्या आपके परिवार में, आपके परिवार के भाई बहन या कक्षा के मित्र आपकी तरह ही पहना, आपकी तरह ही दिखते हैं? क्या आपकी पसंद और खान पान उनकी तरह ही है? निश्चित रूप से उत्तर होगा ना, में होगा, है ना। यह हमारी विविधता है। विद्यालय में हम एक साथ खेलते कूदते और अनुशासन सीखते हैं। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है अनुशासन। विद्यालय में विद्यार्थियों को, देखो एक चीज़ मैं हमेशा सभी को कहूँगा और आप सबको भी लाना चाहिए, अनुशासन। अनुशासन मतलब क्या? लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। देखो डिसिप्लिन के बिना लाइफ बेहतर नहीं किया जा सकता, ठीक है। मान के चलो आज आप क्या किए, सुबह उठने के आप एक प्लान किया है कि हमें हर रोज़ सुबह 6 बजे उठाऊंगा। तो अगर आप हर रोज़ सुबह 6 बजे उठते हो तो ये आपके लिए एक बेहतर डिसिप्लिन होगा। लेकिन आज आप सुबह 6 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, परसों 5 बजे उठे, उसके बाद कभी 8 बजे उठे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, तो क्या आपका रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन चलेगा? नहीं चलेगा। आपका ज़िंदगी एक नर्क जैसा बन जाएगा। ध्यान से सुनो प्लीज़। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर कोई भी इंसान, जैसे हम लोग के देश में जो IAS बनते हैं या अच्छे नौकरियां प्राप्त करते हैं या बहुत ही बेहतर बिजनेस लेवल में जाते हैं या इसके अलावा, तो एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए क्या अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अपने लाइफ में किसी भी तरह से बहुत सारे अनुशासन है, अनुशासन लाने के, क्योंकि अनुशासन हम लोग को क्या देता है? खुशी देते हैं, भीतरी खुशी। जब आप मेहनत करोगे एक साल, हो सकता है किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चलिए मैं मान लेता हूँ आप लोग क्लास 5 का है, क्लास 6 में आए हो, नवोदय का तैयारी कर रहे थे। एक साल नवोदय का तैयारी करने के बाद क्या है कि आप एग्ज़ाम में पास हो गए हो, तो आपको एक अलग सा खुशी मिलेगा। लेकिन हर रोज़ क्या होता है, दोस्त के साथ हमें खेलने को मौका नहीं मिलता है तो हम लोग दुखी हो जाते हैं कि आज मुझे खेलने को मौका नहीं मिला, आज ये हो गया, परसों वो हो गया, ठीक है, परसों मुझे खाने को अच्छा नहीं मिला। तो इसके लिए हमें दुखी, अगर हम लोग दुखी हो जाएंगे तो हम लोग जो बड़ा लक्ष्य है अपने लाइफ में उसके लिए हम लोग ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो बड़ा लक्ष्य पाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों को क्या करना पड़ता है, कभी कभार अपने अंदर दबाना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि लाइफ में अनुशासन के साथ जीना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें क्या बताया गया है कि हम लोग जो होते हैं विविधताओं से भरे हुए हैं। स्कूल में जाते हैं हम, विभिन्न प्रकार के समाज के लोग, सर विभिन्न मतलब धर्मों के, जाति के, हाँ, मध्यम उच्च वर्ग, मध्यम सभी वर्ग के हम लोग देखते हैं, ठीक है, मतलब बच्चे देखते हैं, ठीक है। तो बस वही विविधता में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। देखो अब समाज, यह एक, देखो यहाँ पर क्या है, समाज यह एक ऐसा समूह होता है जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जाति, धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ निवास करते हैं तथा अपने रीति रिवाज वो परंपराओं का निर्वाह करते हैं। तो यह समाज का डेफिनेशन है। क्या है ये समाज का डेफिनेशन? समाज का डेफिनेशन क्या है? यह एक समूह में होता है, समूह मतलब एक साथ होता है। क्या आप भेड़ बकरी को एक समूह में देखे हो कि नहीं? तो वो एक समूह है, तो वहाँ पर लोगों का एक समूह है। ये एक समूह में होता है जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र के, भौगोलिक क्षेत्र मतलब क्या होता है,
कि मान के चलो हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं, मान के चलो हम लोग झारखंड के जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, ठीक है, तो जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे लोग हैं, या मान के चलो हम लोग झारखंड में जमशेदपुर के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, तो जमशेदपुर का एक भौगोलिक क्षेत्र हो गया। अब हम लोग झारखंड में पूरा अगर पकड़ ले तो उसका एक अलग भौगोलिक क्षेत्र हो गया, अगर हम कोई गांव में रहते हैं उसका एक भौगोलिक क्षेत्र हो गया, तो समाज क्या होता है, अगर हम कितने बड़े समाज को ले रहे हैं, पूरे झारखंड को एक समाज के रूप में ले रहे हैं, या हम लोग किसी एक विशेष प्रकार के गाँव को समाज के रूप में ले रहे हैं, या हम लोग कोई डिस्ट्रिक्ट को ले रहे हैं, तो आप कितने किया किसी शहर को ले रहे हैं, तो किस मतलब क्या, आप जितना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र बनाएंगे उस तरह का आपको विविधता देखने को मिलेगा। तो ये एक ऐसा समूह होता है जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न जाति, उसमें विभिन्न प्रकार के जाति होते हैं, क्योंकि हम लोग ने जातिवादी बनाया है तो जाति तो होंगे ही, धर्म है और संस्कृति, तो क्या संस्कृति के, संस्कृति मतलब विभिन्न विभिन्न संस्कृति के लोग, ठीक है, होते हैं, हाँ लोग एक साथ निवास करते हैं, ठीक है, तथा अपने रीति रिवाज वो परंपराओं का निर्वाह करते हैं। जैसे हमारे जो बिहारी भाई बंधु है वो छठ मनाएंगे, जो बंगाली लोग हैं वो दुर्गा पूजा मनाएंगे, है कि नहीं, तो इस तरह से ऐसा नहीं कि दुर्गा पूजा जो बिहारी भाई बहन हमारे हैं तो वो नहीं मनाएंगे, या झारखंडी वाले हैं तो वो शहरुल मनाएंगे क्या दुर्गा पूजा नहीं मनाएंगे, ऐसा नहीं होता है, सब मनाते हैं, लेकिन एक विशेष संस्कृति के लोग, विशेष लोग उस चीज़ को वो ज़ोरदार मनाते हैं। अगर आप गुजरात में जाओगे तो आपको डांडिया का एक अलग सा ही पर्व मिलेगा, क्या आप वेस्ट बंगाल में आपको उसी तरह का डांडिया मिलेगा, नहीं मिलेगा। वेस्ट बंगाल में जितना खतरनाक दुर्गा पूजा होता है क्या उसको हम लोग साउथ में तमिलनाडु में मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो सब विशेष क्षेत्र में क्या होता है, एक विशेष पूजा का आयोजन होता है। तो ये मतलब अपना पूजा के बात नहीं करें, रीति रिवाज परंपरा निर्वाह करते हैं। तो समाज का डेफिनेशन आप लोग समझ गए हो क्या है, इसको आप लोग को याद करना है, समझ गए हो, समझ के याद करने को हम लोग समझ के अगर हम लोग बार बार पढ़ते उसको हम लोग याद कहते हैं, और अगर बिना समझे पढ़ते हैं तो उसे हम लोग रट्टा कहते हैं। तो समझ के याद करो ना कि बिना समझ के याद करो। तो देखो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, तो यह पर एक विशेष प्रकार से क्या है, एक पिक्चर दिया गया है, इस पिक्चर को आप लोग खुद देख सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ खास विशेष रूप से हम लोग समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा विशेष दिया नहीं गया है। अब इस लाइन को हम लोग पढ़ते हैं, भारत एक विशाल देश है, 15 अगस्त 1947 को यह स्वतंत्र देश रूप में विश्व में के मानचित्र पर अवतरित हुआ, ठीक है, तथा 26 जनवरी 1950 को एक गणतांत्रिक देश बन गया। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। वेट, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अनेकता में एकता भारत का विशेषता है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क की विविधता में एकता अद्भुत है। तो आप सोच सकते हो ये दुनिया का दूसरा आबादी वाला, पहला नंबर में चाइना है जिसको हम लोग चीन कहते हैं, ठीक है, और दूसरे में क्या है, भारत है। यहाँ पर इतने ज़्यादा आबादी में लोग रहते हैं, अभी तो फिलहाल भारत का आबादी एक एस्टिमेशन लगाया गया है लगभग 130 से 35 करोड़ के अंदर। सोच सकते हो जब हम लोग का क्या है कि हम लोग इससे पहले 33 करोड़ थे, कितना थे, 33 करोड़ लगभग। उसके बाद देखो जनसंख्या में किस तरह से वृद्धि हुआ भारत में, और अभी हम लोग 133 करोड़ से भी ज़्यादा, लगभग 100 करोड़ का हम लोग वृद्धि कर लिए। तो हम लोग की जो हम लोग की जनसंख्या काफ़ी वृद्धि हुआ है, लेकिन ये कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में तो अच्छा है लेकिन काफ़ी क्षेत्र में ख़राब भी है, ठीक है। भारत एक विशाल देश है और 15 अगस्त 1947 को ये स्वतंत्र हुआ, तो कब स्वतंत्र हुआ हम लोग सबको पता होना चाहिए, ये 15 अगस्त 1947 को। इससे आगे हम लोग का आगे किसका राज था, अंग्रेजों का था, ब्रिटिश का शासन था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को ये गणतांत्रिक देश इसलिए बना था क्योंकि हम लोग का संविधान उस वक्त क्या हो गया था, लागू हो गया था, ठीक है। और एक संविधान क्या है, हमारा देश पूरा एक सिस्टम के वाइज चलता है, संविधान के अनुसार चलता है, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी कर सकता है या कोई भी कुछ जो मन सो नहीं कर सकता, देश में सब कुछ आज़ादी है सबका इसके लिए, लेकिन संविधान के दायरे में, ठीक है। तो देखो एक देश चलाने के लिए भी अनुशासन का आवश्यकता होता है। तो आगे देखते हैं,
एक सभ्य नागरिक बनने में अद्भुत भूमिका निभाता है, साथ ही साथ उनकी क्षमताओं को उभारने में सहयोग करता है। जब कोई विद्यार्थी डॉक्टर, शिक्षक, वकील, राजनेता आदि बनता है तो वो अत्यंत लाभ समाज को ही मिलता है। ठीक है, झारखंड के समाज जीव विविधताओं से परिपूर्ण है, जिसे हम आगे कक्षाओं में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। तो विशेष रूप से क्या बताया गया है कि एक सभ्य नागरिक बनने में क्या अहम भूमिका निभाता है, कौन? हमारा समाज। साथ ही साथ उनकी क्षमताओं को उभारने में भी सहयोग कौन करता है? हमारा समाज। जब कोई विद्यार्थी डॉक्टर बन जाए, या शिक्षक बन जाए, वकील बन जाए, राजनेता बन जाए, कुछ भी बने, वो अपना काम अगर बढ़िया ढंग से कर रहा है तो इससे समाज को बहुत लाभ मिलता है। झारखंड के समाज में भी बहुत सारे विविधता है, उसको हम लोग विस्तार रूप से बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद लिखा है बहुरंगी विविधता वाला देश भारत। अब बहुरंगी विविधता वाला देश भारत क्यों बताया गया है, इसको हम लोग समझते हैं। हमारा देश संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री, हमेशा याद रखना है, लोकतांत्रिक देश को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। तुम लोग छोटे हो इसलिए ये चीज़ को याद रखना, ठीक है। संसार के प्राय सभी धर्म के अनुयायी यहाँ रहते हैं, मतलब सभी धर्म के लोग मानने वाला इस देश में हम लोग रहते हैं। यहाँ के भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक तथा राजनीतिक, ठीक है, और सांस्कृतिक विविधता पूरे विश्व में भारत की को विशिष्टता प्रदान करती है। देखो विशिष्टता मतलब क्या, भारत जो है, भारत में अगर कोई बोले कि भारत में सिर्फ एक ही टाइप के लोग रहते हैं, नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ छोटे छोटे ऐसे देश है जहाँ पर आपको एक ही टाइप के खाना, एक ही टाइप के लोग, एक ही टाइप के सब मिल जाएंगे। कुछ कुछ देश है जहाँ पर 50 लाख 30 लाख ऐसा जनसंख्या है, किसी किसी देश में तो उससे भी कम, किसी किसी देश में 100-1 करोड़ जनसंख्या है। तो ये सारा ऐसा बहुत सारा देश है जिसका जनसंख्या काफ़ी कम है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या है कि हम लोग को समझना चाहिए, कि देखो तो हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और संसार में विभिन्न धर्म रहने के कारण भारत को क्या होता है, भारत विभिन्न विशिष्ट, मतलब भारत में विभिन्न विविधता भरा हुआ है, इसलिए क्या भारत को एक यूनिक रूप में पूरे विश्व में देखा जाता है। भारत में बहुत यूनिकपन है, इसको पूरे विश्व में, इसलिए भारत का पहचान है। आप किसी भी देश में जाओ, अगर देश वो मोटा मोटी ठीक ठाक है, अच्छा बड़ा अच्छा ठीक ठाक है, तो भारत का नाम बोलने से आपको इतना परिचय नहीं देना पड़ेगा कि आप किस देश से आए हो, ठीक है। तो आपका मतलब देश ही आपका एक ब्रांड है। आप बाहर जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपका देश का वैल्यू कितना ज़्यादा है, घर में रहने से नहीं पता चलता है, ठीक है। तो अब उसके बाद देखो भौगोलिक विविधता। तो भौगोलिक विविधता क्या है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, ठीक है। भारत की उत्तरी सीमा में हिमालय पर्वत से घिरी है, भारत का उत्तरी भाग किसे घिरा है, हिमालय पर्वत से। दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। इसको समझ लेते हैं थोड़ा। तो 32,87,263 तो ये भारत का एक प्रकार का क्षेत्रफल है। देखो भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय की पहाड़ियाँ है, इधर उत्तर में हिमालय की पहाड़ियाँ है। दक्षिण में क्या है, ये जो पानी है इसको हिंद महासागर कहते हैं। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, इधर जो समंदर है उसको हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं। और इधर पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत को भौगोलिक क्षेत्र में डिफाइन किया गया है। इसके बाद देखो सात देशों की स्थलीय सीमाएं भारत को स्पर्श करती है, मतलब भारत के जो पड़ोसी राज्य है वो कौन कौन है। एक मानचित्र एक में देखिए भारत का पड़ोसी देश को पहचान कीजिए। देखो हिमालय से सटे क्षेत्र में अधिक ठंडा पड़ती है, राजस्थान। देखो भारत के अगल बगल में बहुत सारे देश हैं, कौन है, जैसे भारत के बगल में ऊपर उत्तर तरफ क्या है, नेपाल है, उसके बाद भूटान है, दो देश सटा हुआ है। हम लोग दक्षिण तरफ क्या है, श्रीलंका एक देश है भारत के साथ सटा हुआ है। हम लोग का तो बताइए सबसे फेवरेट देश जो है, ठीक है, हम सभी कारणों से, वो पाकिस्तान, वो हम लोग का पश्चिम में है।
ठीक है, मतलब क्या है, वो हमेशा हम लोग को क्या करता है, हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि थोड़ा बहुत उसमें क्या होता है कि थोड़ा हम लोग का टेंशन होता ही रहता है, इसीलिए हम फेवरेट बता दिए, ठीक है। तो और टेंशन इसी कारण, लेकिन खैर ये भविष्य में एक राजनीतिक विषय है, समय के साथ ठीक हो जाना चाहिए। अब देखो, तब आज के इस पार्ट में इतना ही सीखते हैं, ठीक है, और बाकी सारा बहुत सारा देश है उसका हम लोग बाद में पता करेंगे, बाकी का दूसरे पार्ट में ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे।